आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही हैं। कोविड काल के लंबे दौर के बीच आज बजट को लेकर क्या है आर्थिक जगत में उम्मीदें और बजट विश्लेषकों का केंद्रीय बजट से क्या है आकांक्षाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं जयपुर से बजट विश्लेषक सीए सचिन कुमार जैन। प्रवेश किए जाने से ठीक पहले अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जनवरी 2021 में रविवार शाम 6 बजे तक 1,19,847 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। पिछले साल इसी महीने में जीएसटी कलेक्शन की तुलना में इस बार 8% अधिक राजस्व मिला है। होम लोन के बारे में जानकारों को कहना है कि इस साल मिलने वाले टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। आयकर की धारा ITC के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सीमा में होम लोन का मूलधन आता है, इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह धारा 24B के तहत टैक्स छूट का फायदा भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। कई साल से मांग हो रही है कि बेसिक टैक्स लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देना चाहिए। मोदी सरकार ने साल 2019-20 में बजट में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 12,500 की विशेष छूट देकर 5 लाख तक की आय को कर मुक्त करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन स्थायी रूप से स्लैब को बढ़ाई जाने की मांग अभी भी इस साल की जा रही है और उम्मीद है वो पूरी होगी। किसान सम्मान निधि की राशि 2000 तक बढ़ सकती है, ऐसा हमारा मानना है। कोविड सेस इस बार जो आने की उम्मीद है लार्ज टैक्स पेयर्स के ऊपर, वो 4% का आ सकता है। इससे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की आय हो सकती है, क्योंकि बजट आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, तो कुछ आय आएगी तभी लेख खर्च होगा। कोविड के बाद बहुत सारे खर्चे सरकार के बढ़ चुके हैं, आमदनी थोड़ी कम है, तो कुछ ना कुछ नया सेस आने की उम्मीद तो है। हाउसिंग लोन पे मिलने वाली जो रिबेट है वो 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके ऊपर जो रिबेट मिलती है उसको भी 80D में बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि सरकार अब स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक है।